ट्यूमर्स जो कि पॉसिबल नहीं होता हर एक केस में, और इस वजह से हमें हमेशा, क्योंकि हर एक डॉग को स्विमिंग करनी नहीं आती है और कहीं ना कहीं यही मिसकंसेप्शन। हेलो फ्रेंड्स, विद न्यू वीडियो ऑफ मफिन, और आज की वीडियो के साथ मैं शेयर करूंगी पूल सेफ्टी फॉर डॉग्स। जैसे कि समर डेज हो गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो समहाउ हमें भी लगता है कि हमारे पेट्स को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वी नो कि इनकी ड्रूलिंग ज़्यादा हो जाती है और इन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से हमें इनकी ट्रिमिंग वगैरह सब कुछ करवाना पड़ता है। तो समहाउ हमें ये भी लगता है कि क्यों ना इस सन हीट को हम पूल के साथ बीट कर सकें। सो कभी कभी मेरा भी बहुत मन होता है कि मफिन को पूल में ले जाए या घर पे एक पूल बना ले। अगर आप ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं अपने डॉग के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है, और कैसे आप सेफ्टी रख सकते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें करनी चाहिए, क्या कॉमन चीज़ें आपको रखनी चाहिए अपने माइंड में जब भी आप अपने डॉग को पूल में लेके जाएं या घर में ही उनके लिए पूल कोई बिल्डअप करें। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डॉग को स्विमिंग करनी आती हो और हर एक डॉग को स्विमिंग करनी आती हो। इसी वजह से कहीं ना कहीं 5000 पेट्स जो होते हैं ड्यूरिंग समर पीरियड हर ईयर डूब जाते हैं, और यही कहीं ना कहीं हमारी गलती भी रहती है कि हम ये समझते हैं कि डॉग आर नेचुरल स्विमर्स, जो कि पॉसिबल नहीं होता हर एक केस में। और इस वजह से हमें हमेशा अपनी डॉग की सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए जब भी इन्हें पूल में लेके जाएं। कैन डॉग स्विम इन क्लोरीन पूल? सो हाँ, डॉग्स जो हैं केमिकली ट्रीटेड जो पूल होते हैं उसमें आराम से स्विम कर सकते हैं, बट ये भी हमारी तरह ही होते हैं। सेम वे हमें भी अगर लाइक क्लोरीन ज़्यादा होगा पूल में, ज़्यादा चीज़ें होंगी उसमें मिक्सड अप ताकि जो पूल है क्लीन रहे, तो वो कहीं ना कहीं ईची करता है हमारी स्किन को, प्लस हमारे आइज़ भी बहुत ज़्यादा बर्न करने लग जाते हैं। सेम वे वही चीज़ जो है डॉग्स के साथ भी होती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर पे पूल बना रहे हैं या घर पे ही आप उनके लिए कुछ पूल का सिस्टम कर रहे हैं, तो क्लोरीन वाटर जो है कम रखें, और क्लोरीन की मात्रा जो है उसमें कम रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको भी इफ़ेक्ट करता है जैसे कि हमें। सो क्लोरीन वाटर अगर डॉग्स पी भी लेते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि क्लोरीन इफ़ेक्ट नहीं करता है इनके स्टमक को। बट कोशिश करें कि आप ऐसे पूल में लेके जाएं या घर पे ऐसा पूल रखें जिसमें कि क्लोरीन की नीड ना हो, और प्लस ऐसे पूल में भी लेके जाएं जिसमें क्लोरीन की मात्रा जो है कम रहे, ज़्यादा ना रहे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्किन के लिए और इनकी आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है जैसे कि ह्यूमंस के लिए होता है। हाउ यू कैन मेक पूल सेफ फॉर योर डॉग? सो आप अपने डॉग के लिए पूल कैसे सेफ बना सकते हैं? कोशिश करें कि आप उससे धीरे धीरे अडेप्ट करवाएं, क्योंकि पूल जो है ज़रूरी नहीं हर एक डॉग के लिए बना हो, क्योंकि हर एक डॉग को स्विमिंग करनी नहीं आती है, और कहीं ना कहीं यही मिसकंसेप्शन जो है, या कहीं ना कहीं ये हमें गलत फहमी होती है कि हर एक डॉग को स्विमिंग आती है। बट अगर आपके डॉग को स्विमिंग नहीं आती है तो उसे धीरे धीरे पानी से रूबरू करवाएं या पूल से रूबरू करवाएं, ताकि वो पहले तो पैडिंग करना सीखे। अगर वो पैडिंग करना सीख जाएगा तो आराम से स्विमिंग करना भी सीख जाएगा, और उसे हमेशा ट्रीट दें उसके इस काम के लिए ताकि वो और कॉन्फिडेंट बने स्विमिंग के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आप अपने डॉग को इन एंड आउट ज़रूर सिखाएं, पूल सेफ्टी में सबसे पहले आता है। और जब भी आप सिखाएं इन्हें इंडिपेंडेंटली सिखाएं, क्योंकि जब भी अंदर जाते हैं डॉग्स तो इंसिडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं वो, क्योंकि पूल के नियर बाय पानी रहता है, और बाहर आते वक्त भी इनके पैर से लाइक काफ़ी ज़्यादा फिसलने वाले हो जाते हैं, स्लिपरी हो जाते हैं, उस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपके पूल की हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप एक रैंप बना सकते हैं, या फिर आप एक एंटी स्किड मैट लगा सकते हैं ताकि आपका डॉग फिसले ना या फिर उसे कोई भी इंजरी ना हो पाए। हैविंग फन स्विमिंग विद योर डॉग, सो ये चीज़ काफ़ी मज़ेदार होती है, काफ़ी ज़्यादा लाइक बॉन्डिंग क्रिएट करती है आपके और आपके डॉग के बीच में। काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं स्विमिंग के लिए, ह्यूमंस के लिए, प्लस डॉग के लिए भी। एक तो इनकी एक्सरसाइज हो जाती है, वो भी जेंटल एक्सरसाइज होती है स्विमिंग से। इनके एक तो जॉइंट्स खुलते हैं, प्लस सीनियर डॉग्स जो होते हैं उनके लिए ये कार्डियो प्रोवाइड करता है, प्लस इनकी जो है लाइक स्ट्रेंथ भी जो है बढ़ जाती है स्विमिंग से। सो कोशिश करें जब भी आप स्विमिंग करें अपने डॉग के साथ तो उसको इंजॉयफुल रखें, उनके टॉयज भी रखें साथ में। काफ़ी सारी आप चीज़ें अपने डॉग के साथ कर सकते हैं, और ये समझ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियो, शेयर आवर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आप कोई भी न्यू वीडियो मिस ना कर सकें। सो एज यूजुअल मफिन अपनी ट्रीट खाने में
ज़्यादा प्रेफर करती है, बट आजकल उसको हम ट्रीट नहीं, हेल्दी पोर्शन ज़्यादा दे रहे हैं, लाइक बीन्स, टमाटोज, पटैटोज, इस टाइप की चीज़ें इसको ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि ये एक तो रिफ़्रेश रहे समर्स में, प्लस ये हेल्दी भी खा सके। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने डॉग के साथ कोई लाइक पूल पार्टी या कुछ भी, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अफू बाई, अफू बाई, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।